नमस्ते, गुड इवनिंग। कल के लिए, मतलब कल के लिए नहीं है, निफ्टी में एनालिसिस क्या हो सकता है, मैं ये थोड़ा बताने का कोशिश करता हूँ। हाइपोथेसिस करेंगे, निफ्टी में क्या हो सकता है, किधर, ये मंथ का एक्सपायरी आ रहा है ना 29th पे, तो इसका एक्सपायरी किधर हो सकता है, नहीं तो ये वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है, उसको थोड़ा देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। ओके, अगर हम इसको देखते हैं ना, अगर हम जिगजैग डालते हैं, मैं कभी भी जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस देता हूँ वो किसको देता हूँ, किसको देना है, किसको देता नहीं है, देना है जिगजैग को। ओके, ये तो अप ट्रेंड में है, मतलब ये है अप ट्रेंड में, आपको दिख रहा है। मैं अगर मैं लंबी एक ना, ये तो अप ट्रेंड में है। ओके, देखो ये हायर रही है, हायर रही है, हायर रही है, हाई वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है, ये ट्रेंड में आ चुका है, हायर रही है। हमें ये दिख रहा है कि भाई स्ट्रक्चर हायर रही है। अगर हायर रही है तो मार्केट का जो टेंडेंसी होता है ना, टेंडेंसी ये ऊपर जाने का होता है, लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए ये। ओके, फंडामेंटली हमें बता रहा है कि भाई ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये क्यों बता देता हूँ मैं। ओके, अभी क्या हुआ है, थोड़ा अलग तरीका है, कुछ बोरिंग नहीं होगा भाई। ट्रेडिंग है ना, बोरिंग नहीं होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए जो एनालिसिस है ना, वो बोरिंग होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगर एक्साइटमेंट में आप कुछ कर रहे हो तो गलत होने वाला है। ओके, हम फेब्रुवरी में ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। हमारा जो रेफरेंस है, मंथली का रेफरेंस है, ये वाला है, कौन सा है, फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, ये वाला है। ओके, दिसंबर 15 है ना, ये हाईएस्ट वॉल्यूम आया था। अगर आप वॉल्यूम को देखते हो ना, इधर जाके रिसोर्स में जाके, हिस्टोरिकल इंडेक्स में जाके आप देख सकते हो, ऑन 15 दिसंबर देर वॉज अ ब्रेकआउट, मतलब ये वो ये जो इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम आया था। लेकिन जनवरी में कोई ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया था, लेकिन उसका जो क्लोजिंग है ना, इसके अंदर हुआ है। इसका मतलब है मंथली में रेंज बाउंड है, समझ रहे हो क्या। रेंज बाउंड का मतलब है मेरा जो रेंज है ना, उसके अंदर ये क्लोज हो चुका है। ओके फाइन, अभी तो अप ट्रेंड में था, मतलब रेंज में है तो रेंज बाउंड होना चाहिए। रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है, ये जो रेंज है ना, रेंज में खेलना चाहिए, ये मतलब ऊपर नीचे ये करना चाहिए। लेकिन ट्रेंड तो अब तक, तो ये जो स्विंग है इसको इसने ब्रेक कर चुका है। ओके, अभी क्या हो सकता है, ये रेंज था ना मेरा इन द मंथ ऑफ जनवरी है, जनवरी का क्लोजिंग इसके अंदर हुआ था। अभी प्राइस आपको ऊपर दिख रहा है, करेक्ट, हमें दिख रहा है प्राइस ऊपर दिख रहा है। एक्चुअली इसका जो क्लोजिंग है ना, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर, ये रेंज के अंदर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। इसका मतलब है अभी जो 29th जो एक्सपायरी होगा ना ये मंथ का, इसका जो क्लोजिंग है ये लेवल पे आना चाहिए। सर देखो, ये लेवल्स को आप मार्क करके रखो, एक्सपायरी ट्रेड थर्सडे नहीं होगा, एक्सपायरी होने से पहले ही एक्सपायरी ट्रेड पता होगा। ओके, समझ रहे हो ना, तो इसका जो एक्सपायरी है ना, इट शुड क्लोज इनसाइड दिस लेवल। ओके, 21,800। ओके, अदर 400 पॉइंट्स है, देखेंगे कैसे ये बिहेव करेगा। लेकिन ओके, फंडामेंटली ये है। अभी हम अगर आप देखते हो ना फेब्रुवरी मंथ में, देखो कंफ्यूज मत होना है, मुझे देखना है दिसंबर का वॉल्यूम, मुझे ये बताता है कि भाई ये क्या है, मतलब बुलिश है क्या है बोल के। लेकिन ये तो रेंज बाउंड था, लेकिन मुझे थोड़ा अगर आगे लेके जाता हूं मैं। ओके, जनवरी का ब्रेकआउट जो है ना, जनवरी में ये मंथ में ये जो दिन है ना, 17 पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया था। ओके, इसका ब्रेकआउट 8 पे हुआ है ये मंथ में। ओके, समझ रहे हो ना, ये भी रेंज के अंदर ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट ये मंथ का हाई है ना, जनवरी का मंथ है, इसके अंदर घुस के इसके अंदर क्लोज होना चाहिए। हाँ, ये जो मंथ का जो 2 हाईस है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये इसके अंदर ही क्लोज होना चाहिए, बाहर है, अगर बाहर है मतलब विदाउट वॉल्यूम अगर ये कुछ होता होता है ना, या ये एक्चुअली देखो फेब्रुवरी मंथ का जो ब्रेकआउट है वो मुझे बता रहा है कि भाई इसके बाहर वो ट्रेड होना चाहिए। लेकिन जो जनवरी का जो रेंज है ना, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है, रेंज के अंदर है। अगर प्राइस कोई कारण से बाहर जाता है ना, ये इसके अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। ओके, इसलिए लास्ट वीक में भी मौका था, ओके, लास्ट वीक में भी वो मौका था अंदर आने का, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लास्ट वीक का हाई ए वाला था, करेक्ट, लास्ट वीक का हाई ए वाला था, कोई एक दिन में है उसके नीचे प्राइस नहीं आ पाया, समझ रहे हो। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, ये लास्ट 5 डेज का ट्रेडिंग है, कोई एक दिन पे ये जो हाई है उसके नीचे नहीं आ पाया। ये दिन पे इसने क्लोज दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे इसके क्लोजिंग अंदर, इसके मतलब ये रेंज के अंदर हुआ था, तो
एक नया हाई भी बना दिया। देखो ये हाई था उसका भी एक हाई बना दिया, लेकिन ये जो हाई बनने के बाद है ना सेल ऑफ आ रहा है। ओके, इसलिए यही होना चाहिए, यही दिखना चाहिए। अगर मैं ये मानता हूँ कि भाई हायर आई है ऊपर जाना चाहिए, हायर आई है ऊपर जाना चाहिए, सही है, लेकिन फंडामेंटली ये तो गिरना चाहिए। इसका जो क्लोजिंग है ना, इट शुड कम टू दिस लेवल। अभी क्या होगा, अभी ये है, अगर मान लो वीकली का एनालिसिस करता हूँ, जो भी करना है मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम को मुझे देखना है। वीकली में ये क्या हुआ है, ये वीक में इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये मेरा रेंज है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट है, प्राइस ब्रेकआउट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है। और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आप देखते हो ना, आप देख लो, आपको देख सकते हो, मैं दिखाया हूँ, किधर देखना है, कस्टम में जाके, इधर कस्टम, इधर कस्टम में जाके वीकली का, हाँ वीकली का मतलब क्या है, सब कुछ वही करना है। ओके, लास्ट टू वीक्स मतलब 12th to 23rd तक आपको इसको देख सकते हो। दिसंबर नहीं, जनवरी 23rd। ओके, अरे यार, फ़रवरी 12th टू फ़रवरी 23rd, क्या हो रहा, कस्टम में जाके इधर आपको करना है 12th टू, मुझे लास्ट टू वीक्स का डेटा चाहिए। रिसोर्स में जाके, स्टॉक इंडेक्स में जाके, इधर कस्टम में जाके लास्ट टू वीक का डेटा, मतलब लास्ट मंडे जो था उधर से 23rd जो क्लोजिंग हुआ है उसका ये देखना है। यू हैव टू सेलेक्ट निफ्टी 50 है। ओके, ए आ गया। अगर आप देखते हो ना, ये फर्स्ट वीक था 12, 13, 16 तक का। ओके, इसमें जो हाइएस्ट डिलीवरी आया था ना, दैट इज ऑन 36, मतलब जो हाइएस्ट वॉल्यूम आया था दैट इज ऑन 13th, लेकिन 36, 57 है, उसका ब्रेकआउट ये वीक में नहीं आया है। ओके, समझ रहे हो ना, हमें क्या दिख रहा है वीकली में, हमें ये दिख रहा है ये ब्रेकआउट है, हा? लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए। देखो, अगर गिरना है ना, कोई लो छूटना चाहिए, नहीं तो हाई को रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ये लास्ट वीक का हाई है, करेक्ट, अभी आता हूँ, देखो ये लास्ट वीक का हाई है। ओके, नीचे हाई, एक्चुअली अगर ऊपर भी जाना है ना, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा तो ही ऊपर जाएगा। अगर हायर स्ट्रक्चर है, इधर जाके एक गिर सकता है। अभी क्या है, अगर आप देखते हो ना, 21st जो हाईएस्ट है, 21st, ये जो 21st है ना, ये जो 21st है, इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम आया था, समझ रहे हो ना, ये इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम आया था ये लास्ट वीक का। अगर आप देखते हो ना, वो लेवल को इसने रेजिस्टेंस बना दिया है कल। अगर कल उधर जाके अगर क्या है, अगर रेजिस्टेंस लेते हैं ना, इट शुड कम टू, तो फर्स्ट लेवल इज दिस वन, देन इट शुड कम बिलो दिस, मैं जो बताया था ना, मंथली का जो एक्सपायरी है, मंथली का जो एक्सपायरी है, इसके अंदर ये घुसना चाहिए, समझ रहे हो ना, ये इसके अंदर। ओके, ये लेवल के अंदर 21,800 इधर तक का ये आना चाहिए, एटलीस्ट इसका जो क्लोजिंग है ना, अगर इसको ब्रेक किया है, इसके नीचे होना चाहिए 22,124, उसके नीचे इसका क्लोजिंग होना चाहिए। मेरा हाइपोथेसिस है ना, मेरा हाइपोथेसिस इन द मार्केट इज द सेल। अगर इंट्राडे में अगर मैं ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ ना, ये तो लोअर लो बनना चाहिए अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर हाइयर आई है, मार्केट ना ज़्यादा नाटक नहीं करेगा, वो करके दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज ट्रेंड, वो दिखाएगा। अगर ये हो गया ना भाई, डेफिनेटली आई विल टारगेट फॉर दिस 21,800 फॉर दिस वीक। ओके, ये कारण से मुझे निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए वीक स्ट्रांग है, अभी तक स्ट्रांग है, समझ रहे हो ना, अभी तक स्ट्रांग है, अभी निफ्टी को बाई करना है, लेकिन जो फंडामेंटल के तरह से मुझे बता रहा है कि भाई ये तो गिर सकता है। ओके, अगर गिर सकता है वो मुझे सिम्टम क्या है, मार्केट में दिखना चाहिए। ओके, हाँ, अगर मार्केट में दिखता है ना, दैट देन वी कैन टेक अ एक्शन, कंफर्म करके मुझे एक्शन करना है। तो मेरा हाइपोथेसिस है ये लेवल तक, मतलब देख लो ये एक्सपायरी में क्या होगा, थर्सडे तक टाइम है, एक्चुअली इसके अंदर क्लोज होना चाहिए, कोई कारण से बाहर नहीं होना चाहिए फंडामेंटली। एटलीस्ट ये जो हाई है मंथली का, लास्ट मंथ का हाई है, उसके अंदर एटलीस्ट इसको आना पड़ेगा। ओके, मैं सब कुछ बता दिया हूँ ये क्या होता है। देखो, फंडामेंटली फर्स्ट इट इज हायर हाई। ओके, लेकिन अगर इसको ऊपर भी जाना है ना, ये लेवल को क्रैक करके नीचे गिरा है, करेक्ट, बाद में इधर एक
रिट्रेसमेंट लेग में, रिट्रेसमेंट लेग, ओके सॉरी इधर कोई सपोर्ट नहीं बनाया, ओके ये लेवल है, मतलब ये जो स्विंग था ना, इधर इसने रेजिस्टेंस लिया है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, ये खुल के दिखाएगा इसके ऊपर, नहीं तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस लेके कुछ लोअर लो स्ट्रक्चर करने का कोशिश करेगा। मेरा हाइपोथेसिस जो मार्केट में है ना, दैट इज अ शॉर्ट ट्रेड, टारगेट मैं बता दिया हूँ फंडामेंटली, इसको तो 21,800 के आसपास में आना चाहिए। व्हाट इज दैट लेवल? दैट इज अ मंथली लेवल, जो भी मंथली एक्सपायरी होता है ना अभी, ओके ये वाला है, इसके अंदर ही आना चाहिए। अगर इधर तक आने के लिए ना बहुत सारा सपोर्ट से उसको टूटना पड़ेगा, देखेंगे कैसे ये बिहेव करेगा। ओके ये मेरा एनालिसिस है, कोई बेवकूफ़ी करके पुट लेके वाइट ना ये नहीं है। अगर हम भी करना है ना, हम कोई पोजीशन में नहीं लेते हैं क्या? देखो मैं पोजीशन में था, अभी सब कुछ हटा दिया हूँ क्योंकि ये रिजेक्शन ले रहा था। ओके अभी क्या है, ये नीचे सरकना चाहिए, अगर कंफर्मेशन हो गया ना, सो दिस कुड बी द लेवल। अभी देखो स्ट्रक्चर हाइयर रहेगा, जितना भी है लोअर लो करना पड़ेगा, शायद कल लोअर लो करेगा तो उसके बाद एक मूवमेंट आएगा, हाँ देखेंगे, क्योंकि वीकली का लो भी इधर है, इसको टूटना पड़ेगा। मार्केट ज़्यादा नाटक नहीं करेगा, ओके मार्केट ज़्यादा नाटक नहीं करेगा, ओके ये वीकली का लो है, ये वीकली का हाई है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ऊपर है ना अभी, हाँ अगर गिरना है ना फटाफट वो मतलब उसको ब्रेक करके दिखाएगा, नहीं तो ये जो लेवल बताया ना, ये इसको क्रैक किया था, इसके ऊपर खुलेगा, इसके इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गिरेगा ना, मेरा साइंस के साथ ये जुड़ रहा है, तो मैं एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। ओके हाँ ये है निफ्टी का एनालिसिस है। स्टॉक्स में भी हमें करना है, मैं ऐसे कर रहा था, सब कुछ मुझे बुलिश लग रहा है, लेकिन बुलिश नहीं है, जब मार्केट बुलिश होता है ना शॉर्ट करना है भाई, अलग ही सोचना है। देखेंगे कैसे मार्केट बिहेव करेगा, कोई ना कोई एक ट्रेड डेफिनेटली, अगर मेरा हाइपोथेसिस के हिसाब से चला ना, डेफिनेटली मिल जाएगा, देखेंगे। फाइन सर, ये था आज का है, देखेंगे हाँ नेक्स्ट वीडियो में, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके पहले मैं एंट्री एंड कंफर्मेशन का 4 वीडियो डाला हूँ, आज भी 2 वीडियो डाला हूँ रिवीजन का है, वो देख लो, उसके पहले 2 वीडियो उसको भी देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ वो इसलिए मार्केट में चलता वही है, ओके उसमें थोड़ा हासिल होना चाहिए, मतलब क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दैट, यू हैव टू वर्क ऑन द चार्ट्स, यू हैव टू यू नो द यू शुड नो द क्या है स्ट्रक्चर। अगर वो समझ में आ गया आप मार्केट में आपको वो दिखता है, नहीं तो है ना, अगर नहीं देखते हो ना, एक काम करो, कोई पैसे लेके ट्रेनिंग दे के सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, गिरेगा उठेगा बोल के बताते हैं ना, उधर जाके पैसा बर्बाद कर दो, समझ रहे हो ना। फाइन सर, टेक केयर।